मैरी, ओ मैरी उठ जा पुत्र, स्कूल से देर हो रही है, उठ जा शाफ से। ओ जल्दी उठ जा, मैंने चाचे रहमत की तरफ भी जाना है, टाइम पे उनको नाश्ता ना दूं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लवेखा पहले तो तू एक आवाज से उठ जाती थी, आज तुझे क्या हो गया? मैंने स्कूल नहीं जाना। क्यों क्यों नहीं जाना तूने स्कूल? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? लवेखा बुखार तो तुझे जरा सा भी नहीं है। मेरी धी के पेट में तो दर्द नहीं हो रहा? नहीं। तो फिर क्यों नहीं स्कूल जाना पुत? सब मुझे बोल, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? सभी कुछ ना कुछ बोलती हैं। नहीं जाना मैंने स्कूल। भाई भाई उठे, सुबह हो गई है। क्या आशा, सोने दे, अभी बहुत वक्त है। अच्छा भाई मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, नाश्ता बना दिए कर लेना। क्या फिर इंटरव्यू? तू बाज नहीं आएगी? तो नहीं पढ़ाना था ना मुझे? क्या पढ़ा दिया मैंने, बीए करके खुश हो रही है? यहाँ तो बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले ख्वार हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा बोलो, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ मैं। अच्छा जा, पैसे हैं? हाँ है मेरे पास पैसे। आया रहमत भाई। वालेकुम सलाम। रहमत चाचा। वालेकुम सलाम। अरे मेरी आज संडे? नहीं चाचा, आज तो ट्यूसडे है। ट्यूसडे है तो मेरी स्कूल क्यों नहीं गई? वो स्कूल इसलिए नहीं गई कि इसकी जड़त भी ठीक नहीं थी ना, इसलिए छुट्टी करा ली है। पक्की बात है ना, कोई फीस वीस का मसला तो नहीं है? नहीं रहमत भाई, आपके होते हुए भला फीस का मसला किमें हो सकता है? बस बीमार थी ना, इसलिए मैंने कहा छुट्टी कर ले। आपके नाश्ते को ना ढेर हो रही है, बना के लाती हूँ। नहीं कोई खास देर नहीं हो जाए। आ मेरी, हम आपस में बैठ कर बातें करते। अच्छा ये बता, पढ़ाई कैसी जा रही? जी जी ठीक जा रही है। हाँ पता नहीं मैं लग जा तुझे छुट्टी की स्कूल से संडे आया। अच्छा अच्छा
भाई मैं उसे कैसे समझाऊं? जब वो बोलता है तो मुझे लगता है वो बड़ा है और मैं बच्चा हूं। मैं तो खुद उससे सीखता हूं। आपकी इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब कर दिया। किसी की कुछ सुनता ही नहीं हूं। क्या क्या अब क्या हो गया? होना क्या है, बात बात पे तंज, बात बात पे एतराज। मुझे तो ये लगता है कि मैं नहीं बल्कि वो मेरा बाप है। अब मैं टैक्स लॉयर के साथ मीटिंग में मसरूफ था, बीच में आकर बकवास करने शुरू कर दी। मुझे भी गुस्सा आ गया। सामान उठाकर आ रहा है आपके पास, अभी पहुंचने वाला होगा। अच्छा अच्छा आने दो, मैं संभाल लूंगा। प्लीज उसे समझाइए, जिंदगी प्रैक्टिकल चीज है, ये दो चार किताबें पढ़ने से समझ में नहीं आती। कहा ना आने दो, आ रहा है ना। उसे जरूर समझाइए, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये सब कुछ। तुम फिक्र ना करो, परेशान ना हो, मेरे पास ही आ रहा है ना, मैं ठीक कर लूंगा। आया आया। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे आजा आजा। ओ कैसा कैसा मेरा बच्चा। यकीनन फोन आ चुका होगा और मेरे दर्जात बुलंद हो चुके होंगे। इतना एक दूसरे को समझते हो फिर भी नहीं समझते? समझते ही तो नहीं है चाचा। अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आया उठ जा, कौन सा नशा करने लगा जाते, ऐसे उठा ही नहीं जाता। चार करो का काम करके मैं आ गई हूँ, ये अभी तक बिस्तरे तोड़ रहा है। ये शुरू हो गई सुबह सुबह। ये सुबह सुबह है, 3 बज गए। पानी दे वे नासर, वेख मेरे से अब काम नहीं होता। तू माँ का कुछ थोड़ा सा ख्याल कर ले। सूरज निकलता है तो तू घर आता है, सूरज डूबता है तो घर से निकल जाता है। दुनिया का जो फंटर है ना तेरा यार है। तो क्या करूं, प्रोफेसरों के साथ उठा बैठा करूं, अपने जैसों के साथ ही मिलूंगा ना। तू स्कूल नहीं गई, वहां क्या देख रही है? तू भी है ठीक नहीं है उसकी, तू अंदर चल। चाचा आ जाएं, चाय तैयार है। क्या आजम कहता है उसे गिला है कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा है। आई विश कि आपने उन्हें भी बिगाड़ा होता, कम से कम बेहतर इंसान तो होते। बुरी बात है, ये बदतमीजी है। वो बाप है तुम्हारा। क्या ही अच्छा होता कि हम रिश्तों से ज्यादा इंसानों की इज्जत करते। अब मुझे और बाबा को ही देख लें, हम मजबूरन एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, वरना हम दोनों के पास कोई वजह नहीं है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या है, ये तलखी क्यों है? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम रवैयों का, सिस्टम का पोस्टमार्टम करते थे, अच्छा लगता था। मुझे महसूस होता था जैसे मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूं जो सांस ले रहा है, सूझबूझ रखता है, सोच रखता है। मगर आप ये गुस्सा, अरे ये तो डिस्ट्रक्टिव है, इसको किसी और से निकालो, तुम्हारा भला हो, किसी और का भला हो। ये सिर्फ मुंह से झाग निकालने से तो किसी का भला नहीं होगा। चाचा आपने उन्हें और उनके टैक्स लॉयर को बातें करते नहीं सुना? किस डिटाई से टैक्स चोरी करने की बातें कर रहे थे? वो जो जरा सी निदामत होती है ना चेहरे पे,
जो बुरा काम करते खुद ब खुद आ जाती है, वो भी नहीं थी उनके चेहरे पे। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे दो मुर्दे आपस में डील कर रहे हैं। अगर असलम भाई ने तुम्हारा पूछ लिया तो बोल नहीं, सुबह आ जाऊंगा। चल लेकिन तू बाहर बैठा क्या कर रहा है? तू मेरी छोड़, अपनी बता, ये क्या हो रहा है? वो पैकेट, वो सब कुछ, वो क्या था? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। ऐसे ही वो पैकेट, वो सब कुछ। तू आजकल कर क्या रहा है? और ये असलम भाई के साथ क्या लेना देना है तेरा? एक ही सांस में सारे सवाल पूछेगा? नासिर, ये सब ठीक नहीं है यार। छोड़ना यार, ठीक गलत की किसी को नहीं समझ आई। असलम भाई का सबको पता है वो क्या करता है, कैसा आदमी है, उसके चक्कर में ना पछताएगा। वो सारे एक ही जैसे होते हैं क्या? असलम भाई और क्या मास्टर एहसान। असलम भाई तो फिर मुझे काम देता है, मास्टर एहसान की वजह से तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा था, बू आती थी उसे मुझसे। सारे एक जैसे नहीं होते, चाचा रहमत भी तो है ना, वो हमसे हाथ मिलाता है, हमसे गले मिलता है, उसको तो हमसे बू नहीं आती। चाचा रहमत एक है, मास्टर एहसान हर एक है। और जा। माँ कहाँ है? तुझे क्या हुआ है, चुप क्यों बैठी है? आ गया तू? हाँ आ गया हूँ, क्या है? ओ भाई, तू कहाँ होता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, हमें भी तो कुछ पता लगे ना। काम कर रहा हूँ, और क्या करूंगा। है शाबाश ना, ये केड़ा काम है जो तू उस असलम के पास जाके करता है? अच्छा, रिपोर्टें सारी तेरे पास ना? तो क्यों ना होगी रिपोर्टें, हम बड़ा, मैं कहती हूँ, बड़े बड़े इलाके में रहते हैं ना, कोठियों वाले इलाके में, जहाँ एक को दूसरे का पता ही नहीं होता। इतना सा तो हमारा मल है मासा सा, एक दूसरे की बात का एंज पता लगता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तसल्ली रख, ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा। कुछ खाने को मिलेगा? उस असलम ने डफने खाने के लिए कुछ नहीं दिया तुझे? कोई और बात नहीं तेरे पास करने को, या बाहर से जाके खाना खाऊं? बैठ जा, लेके आती हूँ तेरे लिए, बाहर से खा लेता हूँ। तुझे क्या हुआ है, चुप क्यों है? भाई वो स्कूल में। और कुछ नहीं हुआ स्कूल में? क्या, एक सेकंड, क्या हुआ स्कूल में? तुझे मैं जो बता रही हूँ कुछ नहीं हुआ स्कूल में, चल चल के सो, सुबह स्कूल जाना। उसको बोलने देना क्या हुआ स्कूल में। बता रही हूँ कुछ नहीं हुआ, चल चल के सो। उसको बोलने देना, बता क्या हुआ स्कूल में। ना तुझे मेरे पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? देख पोत, छोटी मोटी बातें तो बच्चों में हो ही जाती है। मेरी जा जाके सो, देर हो जाएगी स्कूल से, चल। तू कुछ छुपा रही है मुझसे? ओ नहीं छुपा रही हूँ मैं तुझसे, मैंने तुझे से क्या छुपाना है? और इतना तो हमारा मेहती नहीं है, बड़े तो हमारे कार के काम में हाथ मंडाता है ना, तुझसे मैंने छुपाना है? हटा ले इसे स्कूल से तो अच्छा होगा, वरना बाद में मसला होगा। ओ नहीं होता कि मसला, मसला हो जाएगा, होगा ना, मसला तो संभाल लूंगी, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे। एडा तू बड़ा, ना पढ़ने लायक साथ, ना उसको पढ़ने देता है, उसको स्कूल से। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई। हुआ क्या है बता। भाई कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना, अब बैठे मैं खाना लगाती हूँ। आशा, तू रोई है? हाँ। क्यों? कुछ नहीं, वो सर में दर्द हो रहा था तो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। बेटा दवाई ला दूँ? नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैंने खा ली है दवाई, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? ठीक हो गया, वो कह रहे थे कि बता देंगे। उन्होंने बता दिया, चल खाना दे जल्दी।
मुझे तो उस दिन ही शक हो गया था तुम टाल गई तो मैंने कुरेदा रो। क्या बताती रे भाई, एक बच्ची ने मेरी को स्कूल में कह दिया कि स्कूल के बाद हमारे घर की सफाई कर दिया करो, बाकी की सारी लड़कियां भी उसके साथ मिल गई और मेरी को चूड़ी चूड़ी आखने लगी। बस उसी दिन से मेरी स्कूल नहीं गई, जब भी उनके सामने जाती उसको चूड़ी चूड़ी। किस कदर अफसोस की बात, तकलीफ दे बात। देखो ना बच्ची है, अपने आप को उनके बराबर कहीं, वो ये समझती है कि हम भी शायद उन जैसे हैं। अरे भाई मैं इस मालड़ी सी को ये कैसे समझाऊं, ये फर्क कैसे बताऊं कि हम उन जैसे नहीं। अरे तुम क्या उसे बताओगी, कौन सा फर्क समझाओगी तुम? एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ उसी सूरत में अफजल है जब वो बड़ा इंसान है। ये तो आप आखते हैं ना। आओ भे। वालेकुम सलाम। कहाँ गए थे सुबह सुबह तुम? मैं बस ऐसे ही पॉक के लिए निकल गया था। आओ बैठो। खैरियत तो है ना? नाश्ता बना के ला। हाँ। और यहाँ बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? कई दिनों से नोट कर रहा हूं और आज भी यही कर रहा था। या नालियों में खेलते रहते हैं या फिर चाइल्ड लेबर। सूरत हाल बहुत बुरी है यहाँ तो, बहुत ही बुरी है। कुछ इन लोगों के हालात ऐसे हैं, पेट पालने के लिए इन्हें हर वक्त छोटे छोटे हाथों की जरूरत रहती है। फिर हमारे रवैये, जो लोग पेट काट कर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उन्हें हमारे रवैये मार देते हैं। अब वो देखो, मेरी है परवीन की बेटी है, ये बला की जहीन बच्ची है, मगर स्कूल नहीं जाती, दूसरे बच्चे तंग करते हैं इसे। इसका भाई भी ड्रॉप आउट, उसकी भी ऐसी कहानी। क्या किया जाए, इस गली के हर बच्चे का ऐसा ही किस्सा। सात दहाइयों का किस्सा है ये, कुछ भी नहीं दे सके हम लोगों को, ना रहने के लिए अच्छी जगह, ना तालीम और ना ही इज्जत नफ्स। चचा जब हिसाब किताब होगा तो क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे? शर्मिंदगी और निदामत हिस्से में आएगी। सलाम अस्सलाम भाई। और सुना, इलाके की क्या खैर खबरें हैं? सब ठीक है भाई, राज है आपका भाई? काम तो ठीक कर रहा है। सोचता हूँ तेरा काम बढ़ा दूँ। काम बढ़ गया तो औकात से बात तो नहीं हो जाएगा जी? पर फूल तो नहीं जाएगा, कैंडे में ही रहेगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप फिक्र ना करें इस्लाम भाई, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जा बताता हूँ तुझे। सुन जी भाई, जेदे को साथ ले जा,
घर का चक्कर लगा ले, गटर बंद है, देख लेना। वो तो क्यों बन गया, सांप क्यों सूंघ गया है, हुआ तो कर। ठीक है भाई, देख ले तो। देखना नहीं है, खोलना है, वरना सर खोल दूंगा तेरा। तो चल बना भी ले ओए। आशा, आशा जी भाई आ रही हूँ। अरे भाई आज जल्दी आ गए आप। हाँ ये अंदर ले जा। ये क्या है? वो मेरा एक ग्राहक है नजीर, फैसलाबाद में उसकी कपड़े की दुकान है, उससे मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे। वो दे गया था। अच्छा क्या बात है, तू तो पागल नहीं हुई कपड़ों का सुनकर, और देखे भी नहीं और अंदर लेके जा रही हो। भाई देख लूंगी, दिवाली पे सिलवाने हैं ना। दिवाली के लिए नहीं है ये, तुम्हारे जहेज के लिए है। दो चार रोज में तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, नजीर के जानने वाले। बड़ी तारीफ कर रहा था उनकी, कह रहा था बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का सेक्रेटरीट में काम करता है, सरकारी मुलाजम है। भाई मैं भी शादी नहीं करना चाहती। ये क्या बोल रही है तू? मुझे भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है? मैं एमए करना चाहती हूँ। बीए करके क्या कर लिया जो एमए करेगी? एमए करके अच्छी सी नौकरी करूंगी मैं, और मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, बहुत आगे जा सकती हूँ मैं। आशा हम यहाँ जितना आगे जा सकते थे ना जा चुके हैं, इससे आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। क्या वाकई सारे रास्ते खत्म हो गए? क्या इससे आगे कुछ नहीं है? बोलो, बोलती रहो, मैं सुन रहा हूं। मैं जब स्कूल कॉलेज में जाती थी तो उन चैप्टर्स से डरती थी जिनमें हमारे जहन, हमारे मंदिर और घरों जैसे लिखे गए हैं। नौकरी के लिए जाती हूँ तो यही डर लगा रहता है कि मजहब वाले खाने पर पढ़ने वाले की नजर ना जाए, और जैसे ही जाती पढ़ने वाले की नजरें ही बदल जाती हैं। उस वक्त अपना आप बहुत छोटा लगने लगता है मुझे। चाचा क्या यही एक हवाला इंसान को जांचने का, उसे परखने का? बेटा इंसान, इंसान का हवाला तो उसका किरदार है, उसकी सोच। तुम्हारे गिले अपनी जगह ठीक है और शिकायत भी बजा, मगर इतनी भी खराबी नहीं है। सर गंगा राम भी तो इसी शहर का मोहसिन था, गुलाब देवी अस्पताल। ये सब देखना आपको नसीब हुआ होगा, हमने तो कभी ना ऐसा देखा है और ना ही महसूस किया। अपने आप को हकारत से देखना बहुत तकलीफ से होता है चाचा, पर हमारे तो दिन रात ऐसे ही गुजरते हैं। देखो बेटी, खराबी तो हर घर में झांक रहे, वो रंग नस्ल मजहब को नहीं देखती। तुम्हारी बात ठीक है, मगर मगर मैं नाउम्मीद नहीं हूं।
मुझे पूरा एतमाद और भरोसा है तुम पर, तुम्हारी आने वाली नस्ल पर। तुम लोग हमसे बेहतर हो और फिर तुम्हारा तो नाम भी आशा है, तुम ना उम्मीद क्यों हो? भाई मेरी शादी कर रहे हैं, लड़का सेक्रेटरीट में चपरासी है, कहते हैं कि मैट्रिक किया है, कि शायद वो भी नहीं किया होगा उसने, कहते कि जल्दी शादी करूंगा। नजीर बड़ी तारीफ कर रहा था जी आपकी। वो खुद बहुत अच्छा है, बड़ी पुरानी दोस्ती है हमारी, बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है हमने। हमें रिश्ता पसंद है, हमारी तरफ से हाँ ही समझें। जी। आप लोग हाँ करें तो हम बात आगे चलाएं। माशाल्लाह लड़की बड़ी खूबसूरत है। जी क्या खैर खबर है? खैर खबर क्या होनी है, खबरें तो बेशुमार हैं, सारा अखबार छान मारा मैंने, खैर की खबर नहीं मिली। अखबार बिकेगा तो यही होगा चाचा। हाँ ये तो है। एक बात तो बताएं, आपने ये इलाका क्यों नहीं छोड़ा? सभी चले गए यहाँ से, रिटायरमेंट के बाद आप भी कदम जमाए बैठे हैं। सच्ची बात तो ये है कि यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत और इज्जत दी है कि अब यहाँ से जाने को जी ही नहीं चाहता। अरे आओ। सलाम चाचा। परवीन क्या हुआ, जब ये स्कूल का इसका कुछ हुआ मामला बना कुछ या नहीं? रंत भाई मैंने इसका स्कूल बदलना है ना, दूसरे स्कूल में इसको दाखिल करा रहे हैं, तो जे थोड़े दिन तक आप इसको पढ़ा दें तो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। दे बेटा किताब कल खोलेंगे, आज अपनी वादे करते हैं। मैं चाय बना के लाती हूँ। कौन सी क्लास में मेरी बेटा? पांचवी में। और कौन से सब्जेक्ट पसंद है? मुझे इंग्लिश और मैथ्स। वेरी नाइस। देखा भाई तुमने, ये हमजा भाई हैं, कल से ये तुम्हें पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों मैं? जरूर इतने बच्चों को तो पढ़ा सकता हूँ, मगर बड़े बच्चे काबू नहीं आते। अरे छोड़ो यार, बड़े बच्चे तो बिगड़ चुके हैं, इनको पढ़ाओ, इनको इनको इन्होंने सब कुछ संभालना है, कल इनका है, इनको पढ़ाओ। इनकार कर दो। उससे क्या होगा, कोई दूसरा आएगा तो एक और लिस्ट दे देगा, शायद इससे लंबी हो। मुझे शादी नहीं करनी। क्या बच्चों वाली बात कर रही है तू? शादी नहीं करनी, ऐसा होता है? तो फिर क्या करोगे, उनका पेट कैसे भरोगे? वो प्लॉट है ना, बेच दूंगा उसे, तुम्हारी शादी के लिए रखा हुआ था। बस सारी जिंदगी की कमाई उनको खिला दोगे? ऐसा ही होता है, मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर, लड़का अच्छा है, उसकी नौकरी पक्की है। नजीर कह रहा था कि उनकी नजर में और रिश्ते भी हैं, मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। समझ आ गया ना तुम्हें?
अगर कोई सवाल पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। मेरी बेटा देखो, सवाल करने से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें अब भी कोई सवाल पूछना है तो तुम पूछ सकती हो। हमजा भाई। हाँ बेटा। क्या पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों ने बनाया था? मैरी, क्या फजूल बातें कर रही हो? जो किताब में लिखा है ना वो पढ़। क्यों रोक रही हूँ उसे, पूछने देना सवाल। वो हमजा साहब, मैंने आपसे कहा ना मत रोके उसे। अब जाएं, जाकर अपना काम करें। बेटा तुमने ये सवाल क्यों पूछा? टीचर कह रही थी कि सिर्फ मुसलमानों ने कायदे आजम के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया था। गलत बता रही थी तुम्हारी टीचर। जानती हो दीवान बहादुर एसपी सिंह का कौन था? नहीं। तुम्हारी टीचर भी नहीं जानती। 1942 में उन्होंने क्रिश्चियन एसोसिएशन की बुनियाद रखी और लायलपुर में अपना पहला जलसा किया। जानती हो कौन आया था? कौन? कायदे आज़म। दोनों ने मिलकर वादा किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, साथ देंगे एक दूसरे को, बिल्कुल दोस्त जैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ देते। लेकिन हमजा भाई, फिर तो मेरी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। वो जल्दी में लिखना भूल गए होंगे बेटा। तुम जाओ चाय लेकर आओ। अब तुम्हें पता चला इनके बच्चे स्कूलों से क्यों भाग जाते हैं और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं जान पाते। सोच मैरी की बातों ने जकड़ा हुआ है सुबह से। एक तो इनके बच्चे पढ़ते नहीं, दूसरा हमारा एजुकेशनल सिस्टम उन्हें सपोर्ट करने के बजाय चढ़ा देता है। हमसे बड़ी गलतियां हुई है बेटा और हमें एहसास तक नहीं है। किताब से पढ़ा हुआ लफ्ज खून में शामिल हो जाता है। ये निसाब बनाने वाले पता नहीं क्यों नहीं सोचते कि हम क्या बीज रहे हैं। ये माशरा जो बिफरा फिरता है ये इसी कम आगही का नतीजा है। चाचा हम स्कूल खोले? मजाक कर रहे? बिल्कुल नहीं। स्कूल खोलेंगे कहाँ? यहाँ इसी घर में। घर घर जाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, अपने बच्चों को भेजो पढ़ने के लिए। यहाँ? हाँ यहीं। कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे जो सब पढ़ाते हैं। हाँ मगर सिखाने समझाने और बताने का ढंग अलग होगा। ये बात होगी ना, इसीलिए मेरी उम्मीद नहीं टूटती। मुझे पूरा पूरा एतमाद है तुम्हारी जनरेशन पर। यहाँ खोलेंगे स्कूल, मिलकर पढ़ाएंगे। गुड गुड, जीता है।
कोई नहीं है, कोई बात नहीं, हम अकेले शुरू करते हैं, ठीक है? तुम अपनी बुक्स निकालो। भाई स्कूल यहीं खुला है? जी हाँ। लो भाई चाय पियो। भाई चाचा आपने क्यों तकलीफ की? बस दिल चाह रहा था मेरा। मुझसे कह दिया होता। अरे तुम्हें क्या कह देता? पता नहीं तुम क्या सर खपाते रहते हो। कर क्या कर रहे हो तुम? लिस्ट बना रहा हूँ क्या क्या चीजें चाहिए। बेसिक बुक्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिनकी क्लासेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उन्हें अलग अलग करना होगा। बस यही सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अजो वो नजीरा की बेटी कह रही थी कि उसका भाई महबूब भी स्कूल जाना चाहता है, मगर उसका बाप उसे वर्कशॉप ले जाता है। नजीरा ने एक आध बार कहा भी तो बाप ने डांट दिया। कैसे हो महबूब? ठीक हूँ। अबू घर पर है? कौन है बाहर? जी किसको मिलना है? आप ही से मिलना है मुझे। मेरा नाम हमजा है, मैं चाचा रहमत का भतीजा हूँ। बोलो। हमने इस इलाके में बच्चों के लिए स्कूल खोला है। मैं चाहता था कि अगर महबूब भी पढ़ने आ जाए तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये तो मेरे साथ वर्कशॉप जाता है। बिल्कुल जाए, जाने से पहले पढ़कर चला जाए, एक घंटे की तो बात है, और फिर आप ही के साथ तो काम करना है इसने। मेरे पास और कोई शागिर्द नहीं है, सारे काम ये करता है। अभी तो बहुत छोटा है, ये ज्यादती होगी इसके साथ। अभी तो इसके खेलने और पढ़ने की उम्र है। ओ भाई ज्यादती कैसी, आवारा गर्दी करने के बजाय काम सीख रहा है ये। थोड़ा सा पढ़ लिख जाएगा तो ज्यादा अच्छा और जल्दी काम सीख जाएगा ये। जाओ भाई जाओ, क्यों अपना और मेरा टाइम जाया कर रहे हो? और पढ़ना वरना नहीं है इसने। आप इससे एक बार पूछकर तो देखें ये करना क्या चाहता है। और इससे क्या पूछूंगा, बच्चा है ये तो। ये तो बच्चा है लेकिन आप तो बड़े हैं, आप तो इसके लिए सही फैसला करें। और बच्चा मेरा है, मैं इसके लिए जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा। लेकिन और लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो है सब ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। बड़ी रौनक लगाई हुई चाचा रहमत और उनके भतीजे ने। अच्छा स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ सुबह गया था, सेन भरा हुआ था बच्चों से। सुना है कि काफी बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे। भाई एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो पूछो। मैं भी वहाँ चली जाया करूँ पढ़ाने के लिए? आप तो घर पर होते नहीं है, मैं सारा दिन घर पर बेकार बैठ रहे थे। नहीं आशा तेरे रिश्ते की बात चल रही है। ओहो जब रिश्ता होगा तब देख लेंगे, मैं अभी की बात कर रही हूँ। ठीक है चाचा रहमत से पूछ लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है मैं सुबह इनसे बात कर लूंगी। क्या हुआ, खैरियत थे ना? मैंने कहा था ना मैंने कि इस असलम भाई के चक्कर में मत पड़। फंस गए हो यार। अभी भी वक्त है छोड़ दे। बहुत देर होगी, चाहूं भी तो नहीं छोड़ सकता। धंधा छोड़ा तो असलम भाई मार देगा,
नहीं छोड़ा तो पुलिस मार देगी। तो क्या जरूरत थी इस दलदल में फंसने की? तो क्या करता, चार चार घरों में माँ काम करती मेरी, शाम को वापस आती तो उसकी हड्डियों में दर्द होती, वो दर्द मुझे अपने जिस्म में महसूस होता। उसकी तकलीफें दूर करना चाहता था, उसे घर बिठा के आराम देना चाहता। तो क्या इसके लिए सिर्फ यही रास्ता रह गया था? दुनिया में और भी तो धंधे हैं, मैं भी तो करता हूं, मेरा भी तो गुजारा होता है ना, क्या इसके लिए सिर्फ असलम भाई की गोदी रह गई थी? तू स्कूल से ना भागता तो आज कहां होता? सारी क्लास को साहब के सवाल तू ही करवाता था ना, और आगे से आवाजें क्या पड़ती थी, ओ बनिए तू बनिया मैं चूड़ा, तेरा जेन तंग मुझसे बू आती है। एक बार मास्टर एहसान आगे बढ़कर हमारे सर पर हाथ रख देता तो आज सब कुछ अलग होता, मगर वो उस वक्त मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, और आज मौत मेरे पीछे लगी हुई है। मेरे पीछे मौत मास्टर एहसान की वजह से लगी। अल्लाह ने कैसी मदद की हमारी। बस बहुत अच्छा जा रहा है, और ये भी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, बच्चियां इनके साथ काफी कंफर्टेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। बेटा कैसा लग रहा है पढ़ाना? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद पढ़ रही हूँ। आपकी टीचिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अभी हम सोच रहे थे कि ये तो एक मसला हो जाएगा, क्योंकि जगह कम पड़ती जा रही, बच्चे बढ़ते जा रहे। हाँ जी, जगह बहुत कम है बच्चों के लिए, बल्कि यूँ जुड़कर बैठते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान कम दे पाते हैं। क्या किया जाए, वो इतने सारे इकट्ठे होने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में ही। चाचा जी, वो मेरे भाई का एक प्लॉट है, इनको वहाँ ना पढ़ा दें? कहाँ? ये साथ ही है, बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। तुमने एक दफा जिक्र किया था मुझसे, तो बेटा अपने भाई से बात करो। नहीं नहीं, पूछने की क्या जरूरत है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो मना क्यों करेंगे? जरूरी है, जरूरी, बात कर लो उससे। चलें ठीक है, मैं बात कर लूंगी उससे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या जरूरत थी उनको ये मशवरा देने की? भाई वो लोग परेशान है, जगह कम है उनके पास, वैसे भी वो प्लॉट खाली पड़ा है, किसी अच्छे काम आ जाएगा तो क्या है। ये हमारा सर दर्द तो नहीं है ना, उनका मसला है, वो खुद हल करे। ये मसला तो सबका है भाई, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये मसला हमारा है, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं, हम सबको इसमें हिस्सा डालना चाहिए। मैं तो प्लॉट बेच रहा हूँ, जब बिकेगा तब देखा जाएगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस मसले में पड़ने की, मैं खुद कर लूंगा, रहमान चाचा से बात। चाचा प्लॉट बेचकर मैंने आशा की शादी करनी है, स्कूल के लिए कैसे दे दूं? ओहो, हम कब कह रहे हैं साबिर कि तुम अपना प्लॉट ना बेचो और स्कूल बना दो। भाई जब तक कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल जाता तब तक बेटा। पर चाचा कहीं कब्जा ना हो जाए। साबिर अब हम तेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। नहीं चाचा। बेटा तुम्हारे सामने सारी जिंदगी गुजरी है, कैसी बात करते हो? चाचा गरीब आदमी के पास एक पूंजी तो होती है, डर लगता है। डरने की क्या बात है साबिर, आशा तुम्हारी बहन है तो मेरी बेटी भी है। भाई जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता बस तब तक अल्लाह मालिक है। ठीक है चाचा, जैसे आपकी मर्जी। Thank you.
नासिर चल, तुझे असलम भाई ने बुलाया। असलम भाई आपने बुलाया। ये जो हमारी आबादी के पीछे ये बड़ा प्लाट है, उसके साथ ये इधर आ, ये जो छोटा प्लाट है, मेरा ख्याल होगा कोई 8-10 मरले का, ये वाला। ये भाई जो हमारी गली के पीछे वाला प्लॉट है। हाँ मेरा ख्याल है। किसका है भाई? ये तो साबिर का है। जानते हैं साबिर? जी भाई मेरे बचपन का यार है, हम दोनों इकट्ठे स्कूल से भागे थे, जिगर है मेरा। अपने जिगर से कह के उसकी लाठी निकल आई है, उसे बता कि असलम भाई ये प्लाट खरीद रहा है, बड़ी से बड़ी मार्केट होगी तो 4-5 लाख की होगी, उसे बोल असलम भाई पूरे 10 लाख रुपए देगा इसके। ठीक है भाई, लेकिन वो ना, लेकिन वेकिन नहीं होता हमारे काम, जो कहा है वो होना है। बात करके रिपोर्ट दे मुझे और ये कम हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा। अभी स्कूल खुले चंद दिन हुए, तुमने प्लाट बेच दिया, बच्चे कहाँ जाएंगे? चाचा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि जब तक नहीं बिकता स्कूल बना दो। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, पर मैं तुमसे गिला तो नहीं कर रहा, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि जो काम शुरू हुआ था वो कहीं रुक ना जाए। बड़े शौक से बच्चे पढ़ने लगे हैं, फिर गलियों में रुलने लगेंगे। चाचा मैंने आशा की शादी करनी है और लड़के वालों ने लंबी लिस्ट मुझे दे दी है, पार्टी प्लाट की अच्छी कीमत लगा रही है। मुझे मालूम है कि उसकी कीमत 4-4.5 लाख से ज्यादा नहीं है और पार्टी मुझे 10 लाख दे रही है। मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है, आप ही बताएं मैं क्या करूं। साबिर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उन लोगों से बात करोगे, जब तक जगह का बंदोबस्त नहीं हो जाता स्कूल खुला रहे। भाई जब बंदोबस्त हो जाएगा हम स्कूल शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है चाचा, मैं बात करके देखता हूँ। हाँ बेटा तुम फिक्र न करना, तुम्हारी अपनी चीज है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, बात कर लो उससे। अब क्या होगा, क्या करेंगे? अल्लाह कोई सबब बना दे। बच्चों के स्कूल आने की बड़ी वजह यह है कि स्कूल मोहल्ले में है, कहीं और खोलेंगे तो ना बच्चे स्कूल आएंगे और ना वालदैन बच्चों को स्कूल भेजेंगे। मैं जानता हूँ। हेलो सलाम बाबा, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मैं तो समझा था कि शायद कोई खबर मिलने पे ही मुझे याद करो। प्लीज बाबा, आज हम लड़ेंगे नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है। खैरियत, तुम ठीक तो हो ना बेटा? बाबा बाबा क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बेटी को बाप से मिलने के लिए इजाजत नहीं लेनी चाहिए। आई नीड योर हेल्प। अच्छा बेटा। नासिर जी भाई, ये तेरा यार क्या स्टोरी सुना रहा है? आबादी के बच्चे पढ़ते हैं जी वहाँ। ये मेरा सरदर्द नहीं है, तू ये तेरे प्लाट के 4 गुना पैसे दे रहा हूँ, वो यतीम खाना निकाह में ले लूँ क्या?
क्या लिखा है मेरे माथे पे? जैसे ही कोई नई जगह मिल जाएगी प्लाट खाली कर देंगे, एक दो महीने की बात है। प्लाट मैं खुद खाली करवा सकता हूँ, यही काम करते हैं हम, लेकिन मैं इस फड्डे में पड़ना नहीं चाहता। अपने पैसे ले, कब्जा दे। बड़ी मुश्किल से बच्चे पढ़ना शुरू हुए हैं जी असलम भाई। अपना रेट बढ़ा रहा है? नहीं असलम भाई, वो तुझसे किसी ने कहा पीछे बोलने के लिए? 15 लाख। अरे आप कहाँ चले गए थे? तुम बताकर भी नहीं गए, मैं परेशान हो रहा था। हैं ये क्या? ये साबिर को दे दीजिए और उसे कहिएगा कि स्कूल वहीं रहे। नहीं भाई, ऐसा मत करें। क्यों ना करूं? रोज रोज ये मौका नहीं मिलता। उन्होंने 10 लाख का इंतजाम कर तो लिया। तो उन्होंने भी तो 5 लाख कीमत बढ़ा दी है ना भाई। अब आप लालच कर रहे हैं, 10 लाख में हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा और स्कूल भी चलता रहेगा। छोड़ दे, तू नहीं समझेगी। तो आप समझा दो ना। क्यों बहस कर रही है? बिला वजह स्कूल तेरे सर पर क्यों सवार हो गया है? देख, तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे याद भी नहीं रहेगा कि यहाँ कोई स्कूल हुआ करता था। हाँ, मेरी शादी हो जाएगी, तुम्हें कारोबार के लिए पैसे मिल जाएंगे और बच्चे गलियों में रुल जाएंगे, और उसके बाद तुम आराम से सो लोगे, खुद से नफरत ही होगी तुम्हें। आशा, अपनी बकवास बंद करो तुम। मैंने तुमसे कहा है कि इस मौजू पर मैंने तुमसे बात नहीं करनी, तो क्यों तुम इस बात पे अड़ी हुई हो? ऊंचा बोलने से अगर गलत बात सही हो जाती तो इससे अच्छी बात ही क्या थी। क्या हुआ? वो नासिर मारा के पुलिस मुकाबले में। आपका बड़ा नुकसान हुआ है, सबर करें, सबर। बहुत अफसोस हुआ। अरे बाजी, अब तो अफसोस ही रह गया। अरे क्या बताऊं, मेरा ये जुटा जो बहुत डर गया। मेरा पुत्र बड़ा मशहूम था। अगर वो स्कूल ना छोड़ता तो ये सब कुछ ना होता। वो कहता था मौत उसके पीछे लगी है, और ये मौत उसके पीछे मास्टर एहसान ने लगाई है। मास्टर एहसान का नफरत से बोला एक लफ्ज उसे खा गया, खा गया। बहुत अफसोस हुआ नासिर का, बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत आगे जाना था उसने, लेकिन अल्लाह का जो मंजूर। कागज बनवा लिए तूने? कब दे रहा कब्जा? मैंने प्लॉट नहीं बेचना। क्या कहा? प्लॉट नहीं बेचना। अब क्या तकलीफ हो गई? वहां बच्चे पढ़ते हैं। दूसरों के बच्चों के लिए तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अपने पैसे पकड़। नासिर मर गया। नासिर की मौत का प्लॉट के साथ क्या ताल्लुक? अगर स्कूल बंद हो गया तो ना जाने कितने और नासिर मर जाएंगे। उसके हाथ से किताब नहीं छूटी थी, जिंदगी छूटी थी। देख, इस वक्त तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो जा, जा शाबाश। जब होश में आएगा ना तो तब आ जाना, निकल। बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मुझे जानता नहीं है? बच्चे स्कूल जाएंगे। चल उठाओ ये सब कुछ, उठा के फेंको यहाँ से। चल चुको ये क्या मजाक है, क्या कर रहे हैं आप? चल तुम लोगों ने यहाँ कब्जा किया हुआ है, समझे? या कोई स्कूल स्कूल नहीं चलेगा, निकलो यहाँ से। सुनो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बुजुर्ग बार में आपके मुंह नहीं लगना चाहता, जाए यहाँ से। क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि इस जमीन पे हमने कब्जा किया और ये इनकी मिल्कियत है।
ये मेरी जमीन है और मैंने मैंने कहा था ना मैंने नहीं बेचनी। मैंने बकवास ना कर रहे, समझा तू? तमीज में रहो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। झगड़े की बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कोई फायदा नहीं चाचा, कोई फायदा नहीं। एक हफ्ते में हमारे मोहल्ले के दो जवान मारे गए, देख लेना कुछ नहीं होगा। अगर इनका बंदा मरे तो पूरा मीडिया शोर मचा देता है, हमारे बच्चों की खबर ही कोई नहीं है। शोर की? क्या हो गया तुम लोगों को, कैसी बातें कर रहे हो? अरे एक मुश्किल वक्त पड़ा है, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा बंदा, तुम्हारा बंदा, ये सब कहाँ से आ गया? और छोड़ो चाचा, सब किताबी बातें हैं, हम अलग अलग भी हैं और फर्क भी है। हमारा लड़का मर गया और जमीन भी गई, और उनके बंदे वहां बंदूकें लेके बैठे हुए हैं और आते जाते हमारी बहू बेटियों को तंग करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये वक्त इन बातों का नहीं है। हम बटे नहीं और मारे गए, वो बंदूकें लिए वहां बैठे हैं लेकिन तादाद में हमसे बहुत कम है। माना हमारे पास हथियार नहीं है लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम तादाद में उनसे बहुत ज्यादा हैं। बेटा तुम तो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आए हो, दो चार दिन रहोगे और फिर वापस चले जाओगे, हमने यहीं रहना है। कहीं नहीं जा रहा मैं, यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ हमेशा के लिए। कम से कम मैं आंखें बंद करके ये नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे भाई ने जिस मकसद के लिए अपनी जान दी है, मैं कभी उससे पीछे नहीं हटूंगी। आप लोग इस पे मेरा साथ दें या ना दें, मैं लड़ूंगी इसके लिए। अब आप लोग फैसला कर लें, सारी जिंदगी यूं घुट घुट कर गुजारनी या फिर सर उठा कर जीना आप लोगों ने। भाई ना मेरा पुत्र, ना मेरी बारी, ना ओ ओ काम नहीं चलेगी। हमारा स्कूल वापस दो, ये बदमाशी नहीं चलेगी, ये बदमाशी नहीं चलेगी। हमारा स्कूल वापस दो, हमारा स्कूल वापस दो, ये बदमाशी नहीं चलेगी। आज ही मुश्किल में मगर साथ खड़े हैं, कांधे से कांधा जोड़े और आवाज से आवाज मिलाए, एक मकसद ने सारे फर्क मिटा दिए। साबिर ने अपनी जान तो दे दी मगर पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को सांसें दे गया। ये एक नई शुरुआत है, आशा का बीज बो दिया गया है। अब सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा नहीं बचाना, पूरा मुल्क बचाना है।